बुक माई सोज के बाद पेटीएम भी हुआ क्रैश। देखो मैं तुम लोग आगे दिखा रहा हूँ, यहाँ ये सोज देखो हरा दिखा रहा है और 5:30 वाला सोज है, समथिंग वेंट रॉन्ग दिखा रहा है मेरा भाई। 9 AM वाला सोज में भी समथिंग वेंट रॉन्ग दिखा रहा है। मतलब बुक माई सोज के बाद कल की मूवी के जितने भी फैंस लोग हैं उन लोगों ने पेटीएम को भी कर दिया है क्रैश। ये है पावर भाई अपने प्रभास सर का, ये है पावर अपने बॉस का। अभी तो भाई ये जस्ट एक नमूना है, आने वाला टाइम में देखो ये फिल्म क्या क्या कारनामा करता हुआ दिखाई देगा। सच बोलो तो ये भी बात हेटर्स नहीं मानेंगे कि बुक माई सोज को प्रभास सर ने क्रैश कर दिया हुआ था। मीन्स कल की मूवी का जैसे ही हैदराबाद में एडवांस बुकिंग खोला बुक माई सोज, भाई प्रॉपर पूरी तरीके से क्रैश हो गया हुआ था। मतलब इतनी ज़्यादा इस पर लोड आ गई थी ना, इसको समझ में नहीं आ रहा था बुक माई सोज को कि एक्चुअली में वो तो करे क्या। और मजेदार बात ये है कि बुक माई सोज वाले ने कल की मूवी का जगह कोई और मूवी के टिकट को लगभग बहुत बुक कर दिए ये क्रैश की वजह से, लेकिन फिर बाद में उन लोगों ने रिसॉल्व करा हुआ है। बट यहाँ मजे की बात ये है बुक माई सोज तो भाई कल क्रैश हुआ ही हुआ, अभी पेटीएम में भाई कुछ ग्लिच देखने को मिल रही है। मॉर्निंग के सुबह सुबह ये प्रभास सर पता नहीं क्या करके मानेंगे। सो अभी मैं तुम लोगों के सामने भाई पेटीएम खोल दिया हूँ, तुम लोग देख सकते हो हैदराबाद का क्या सीन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कल की मूवी के। एक बार तुम लोग यहाँ एडवांस बुकिंग देखो मैन, ये हरा तो है ही नहीं, और जहाँ हरा है वो भी भाई ये वो ग्लिच है, तुम लोग देखते जाओ रेड है नहीं तो ग्रे है नहीं तो ऑरेंज है। इससे ये पता चलता है कि यह फिल्म की एडवांस बुकिंग काफ़ी अच्छी खासी चल रही है। बट ये चीज़ों को मुझे लगता है जब ये हेटर्स लोग देखेंगे ना, क्योंकि हेटर्स लोग ने भाई बहुत हेट फैलाने की कोशिश करा हुआ था ये फिल्म को लेके कि ये फिल्म नहीं चलेगी फलना ढेकना बहुत करा हुआ था। बट प्रभास सर के फैंस लोगों ने, इसके साथ साथ प्रभास सर के स्टारडम ने वो लोग के मुंह पे जोरदार तमाचा मारा है, और मुझे ऐसा लगता है ये फिल्म भाई बहुत तगड़ा लेवल पर कलेक्शन करने वाली है। और मैं तुम लोग को बता दूँ ये फिल्म के अभी तक कलेक्शन आ रहे हैं, मीन्स अभी तक ये फिल्म ने अपने इंडिया से वहीं 1,25,000 के आसपास टिकट को सेल आउट कर दिया हुआ है, और 3.2 करोड़ की बताई जा रही है कि कलेक्शन कर लिया हुआ है। बट अभी भाई ये रिपोर्ट ना एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये ना थोड़ा तो मैं ना फ्लैक्चुएट करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि लगातार टिकट बुकिंग चल रहे हैं। मैं कहीं भी कोई भी सोच तुम्हें खाली दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, नहीं रेड है नहीं तो ग्रे है नहीं तो भाई जो ग्रीन भी है वो भी भाई समथिंग वेंट रॉन्ग में चला गया हुआ है। यहाँ देखो यहाँ बस कितने सीट भाई बचे हुए हैं, ये 2:55 PM का सोस है, बस 2-4 ही भाई इसके टिकट बचे हुए हैं। सो जो भी लोगों को भाई देखना है तो अभी भाई जाके तुम टिकट को बुक कर लो, अदरवाइज टिकट तुम सबको नहीं मिलने वाला है, मैं गारंटीड बोल रहा हूँ। फर्स्ट डे अगर तुम लोग को देखना है या फिर पहला 3 दिन के अंदर देखना है तो जल्दी से जल्दी भाई टिकट बुक कर लो, अदरवाइज तुम लोग को टिकट नहीं मिलेगा। अभी मैं तुम लोग को नहीं वो ग्रीन वाला दिखाता हूँ कि एक्चुअली में ग्रीन वाला क्या है। देखो 5:30 AM वाला सोच समथिंग वेंट रॉन्ग, बट मेरे भाई ये ना पूरी की पूरी फुल है, और यही एक ग्लिच है भाई पेटीएम का, और ऐसा ना 2-4 सोज के साथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रैफिक आ गया है ना कि भाई पेटीएम वाले भी कंफ्यूज हो गए हैं कि आज से पहले इतना ट्रैफिक तो आया नहीं था, बट एट ए टाइम कैसे इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ गया। यहाँ एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, ये फिल्म मुझे लगता है कि अपने एडवांस बुकिंग से पहले दिन पर यह फिल्म का कलेक्शन आता हुआ दिखाई देगा 100 करोड़ के आसपास, तुम लोग देखना। बाकी भाई जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, बट अभी के लिए तुम लोग बता तुम लोग इस पे क्या कहना है।